सरकार खुद जिम्मेदार है जिस तरीके नाल पहला लॉकडाउन लाया सी कि पहली वेव दे दौरान ही पूरा साल इन्हां नूं मिल गया सी। इन्हां दी प्रिपेयरनेस होनी चाहीदी सी कि सैकेंड वेव दे दौरान ये तैयार होंदे। उहदी वायरस दी नवीं टाइप आई है, उहदे विच नैचुरली फेफड़िआं नूं ज़्यादा अटैक हो रहा है। जो तैयारी अज तों 6 महीना पहला पूरी हो चुकी होनी चाहीदी सी कि ए त्राही त्राही ना होंदी, 30-30 हज़ार दा सिलेंडर ना विकदा और लोग अपने सामने अपने निजी लोगों नूं मरदिआं ना देख पाते। बुच्चर बन गई है सरकार। ए एक किस्म का इन्हां दी नैगलीजेंस जिहड़ी है इन्हां नूं दिखाती है कि हथियारों के जड़े ना कटघरे च खड़े किए जान। इन्होंने आपदा नूं अवसर च बदलिया है कि किसानों के हक किदां खो ले जान और मजदूरों के हक किदां खो ले जान। ये अंबानिया अदानिया के यार ने, उन्होंने मित्रता च लगे हुए ने, उन्होंने मुनाफे वधा रहे हैं। तो जिदा कहते होंगे ना कि मैं तो फकीर हाँ, झोला लैके कित भी चला जावगा, फिर झोला लभना शुरू कर दौ ना, फकीर हो जाओ तुसी, तुहाडा की काम इस कुर्सी के उत्ते। पंजाब न्यूज़ देख रहे सारे ही देश के दर्शकों का मैं हरजीत कौर स्वागत कर दिया। दर्शकों जिथे तो पता कि अज पूरे आल वर्ल्ड मजदूर दिवस मनाया जा रहा, मजदूर डे है। तो अज ट्रेड यूनियन के ऑल इंडिया जनरल सकत्र अमरजीत कौर भी इस किसानी अंदोलन के पहुंचे ने। स्वागत करते इन्हों का पंजाब न्यूज़ से। वाहेगुरु जी का खालसा। अमरजीत जी, किस तरह देखते हो कि जिस हिसाब न ये किसान मजदूर एकता जिंदाबाद का नारा दिता जाता है, पर कई बार मजदूर जिन्होंने अपनी करके खानी होंगी उन्होंने बड़ी दिक्कतों का सामना करना पैंदा, इतने आने से भी प्रॉब्लम होंगी। तो तुम भी अज मजदूर दिवस मनाने वास्ते इतने पहुँचे हो, तो किस तरह देखते इस चीज़? देखो, असी इस मजदूर दिवस नू किसान मजदूर एकता दे रूप च ही मना रहे हैं और इस दा फैसला जिहड़ा किसानां दा संयुक्त मोर्चा है और ट्रेड यूनियनस दा जिहड़ा जॉइंट प्लेटफॉर्म है, दोनों वालों इकट्ठा किया गया कि ऐतका मई दिवस इकट्ठा मनाया जाएगा। चुनौतियां दोनों दे सामने ने। किसान ते केवल अपनियां मंगां नहीं लड़ रहे, उन्हां दे बिना तो किसी जीव का ढिड नहीं भरिया जाएगा, जीव जंतुओं का भी नहीं भरिया जाएगा, पक्षियों ने भी खाना हुंदा है, जानवरों ने भी खाना हुंदा है। तो किसानों उत्ते जिहड़ा संकट है वो एक किस्म का पूरे देश से संकट है। तो जे खाद्य सुरक्षा खतरे च जाएगी तो सब तो पहला जिहड़ा दिहाड़ीदार मजदूर है ना, जिहड़ा दिने काम करता है तो राती चुल्हा जलता है, उहदे उत्ते सब तो वड्डी मुसीबत आएगी। तो इस वास्ते इस लड़ाई के नाल जो किसानों ने अंदोलन छेड़िया होया उहदे नाल ते मजदूर अंदोलन खड़ा ही सी, ते विच है मजदूर दिवस आया तो एक बेहतरीन मौका सी कि जिहड़ी किसान मजदूर एकता जिंदाबाद का नारा लग रहा है उन्होंने मुखरित रूप से भी सामने रखा जाए। इस वास्ते आह्वान किया गया कि पूरे देश च इनू कट्ठा मनाया जाएगा। तो यह भी तय होया कि बॉर्डर एरिया जिथे किसानों के मोर्चे लगे हुए ने उत्थे भी ट्रेड यूनियन जथेबंद लोग पहुँचन और अपनी गल रखन। तो मैं भी मौका मिले, मैं पहुँची हाँ अज, तो मैं गलबात कर AITUC वालों कहने वास्ते एटक वालों आई। फिर ये भी उपराला किया जा रहा है जिहड़े मजदूरों अजे जागरूक नहीं हुए, जिन्होंने पता नहीं कि साढ़े ते किन्ना असर पैना जे किसान विरोधी बिल लागू हो जाते हैं, तो उन्होंने जागरूक भी किया जा रहा है। मैं तो इस गल का फख्र महसूस करती हाँ कि मजदूर अंदोलन कामयाब ने, आम मजदूरों तक, साढ़े एक्टिविस्ट तक, साढ़े लीडर्स तक इस गल नूं पहुँचा सके ने कि किड्डा वड्डा नुकसान होएगा। इस वास्ते वो पहला ही अपना चुके ने इस नारे नूं कि तीनों कृषि कानून वापिस होने चाहिए ने, तो जिहड़ा मिनिमम सपोर्ट प्राइज वाला लीगल किया जाए, उन्हों कानूनी किया जाए, वह कानून बनाना चाहिए, बिजली का जरा तब्दीली का कानून वह भी हटाया जाए, तो फिर जड़े मजदूरों के उत्ते 4 करोड़ लद्दे जा रहे हैं वह भी वापस ले जान। ये हुण सांझियां मंगां बन चुकियां ने और किसानों ने भी आवाज़ चुकी कि अदानिया अंबानिया की सरकार नहीं है, तुम उन्होंने ही लोटूआं साड़ी जमीन खो के देना चाहते हो। तो मजदूरों का भी यह कहना है कि साढ़े पब्लिक सैक्टर जोड़े देश के अदारे ने, देश की पूंजी ने, ये प्राइवेट हाथों से नहीं दो, ये नारा भी हुण कॉमन हो गया। तो असी समझा चुके हैं, असी ये भी यकीन कर रहे हैं कि हुण किसान अंदोलन वालों भी आम किसानी तक भी गल पहुँचेगी कि मजदूर का की दुख है, वो ये कानून की है ने और इन्हों का जिंदगी पर बुरा असर पैंता है, तो वो जिंदगी पर ही असर नहीं, वो देश के उत्ते बुरा असर होएगा।
देख रहे हो एक पासे तो किसान विरोधी बिलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही, जिते पूरे वर्ल्ड के इसकी चर्चा हो रही है ना, तुसीं देख सकते हो किन्ने किसान भी शहीद हो चुके, पर जिहड़ा लॉकडाउन ला दिता गया, करोना का कहर इस देश दे विच जिहड़ा मच रहा है, तो उन्हां नाल जिहड़े मजदूरां दी होर जिहड़ी हड्डी टुट चुकी है उन्हूं की किस तरह देखदे हो, क्योंकि हुणे हाल आटो वर्करां दी गल करदे आ तो वह कहिंदे कि सानूं चलान भी साडे कट्टे जा रहे ने, सानूं मास्क दे भी रोक ला दिंदे ने, उह कहिंदे ने कि जे तुसीं मास्क नहीं लाउणा तां तुहानूं जिहड़ा कि चलान भरना पऊगा, तो जिथे उन्होंने चार सवारियां बिठाउणियां सी उत्थे दो बिठा रहे ने, तो की लगता कि सब तो ज़्यादा जिहड़ा उन्हां दा नुकसान हो रहा तो किवें देखदे हो कि सरकार नूं उन्हां वास्ते तां कुछ करना चाहिए? सरकार तो फेल है इस मामले च, जो पहला लॉकडाउन होया सी और ट्रेना एकदम बंद करतियां सी, चार घंटे का टाइम दिता सी, ते असी सारे इस गल दे गवाह हाँ किस तरीके नालो पैदल चले सी, हज़ारों मील चले सी, नौकरियां भी चलिया गया सी, उन्हां नूं लॉकडाउन का वेज भी नहीं सी मिलिया, पहला तो ज़्यादा गरीबी हो चुकी है, हुण पहला तो ज़्यादा बेरोज़गारी हो चुकी है, इस वास्ते लोगों के रोज़गार उत्ते बहुत बुरा असर पिया सी, और यह हुण जिहड़ी सैकेंड वेव आई है इहदे नाल फिर तो मजदूर बुरी तरह डरिया होया है, डरिया ही नहीं होया, जिथे जिथे लॉकडाउन लिमिटेड भी लाया या करफ्यू लाया उत्थे मजदूरों की काफ़ी हालत पस्त होने लगी, जिवें तुसीं उदाहरण दिते ने, बहुत सारे लोगों का काम धंधा जिहड़ा बिल्कुल ठप्प हो चुका है, ये नुकसान है, ये जड़ा क्रिमिनल ये जड़ा अपराध किया ना सरकार ने, कि पहली वेव के दौरान ही पूरा साल इन्हों मिल गया सी, इन्हों की प्रिपेयरनेस होनी चाहिए सी कि सैकेंड वेव के दौरान ये तैयार होंगे और यह हालात ना होंगे जिस हालात नाल फैलिया, सरकार खुद जिम्मेदार है, जिस तरीके नाल पहला लॉकडाउन लाया सी ये शहरां तक सीमित बीमारी सी या बाहरों आई सी, सरकार बाहरों आने वाली बीमारी नूं भी कंट्रोल नहीं कर सकी, तो विदेशों चो आई सी, इस देश च नहीं सी, ये बाहरों आई सी उदों कंट्रोल हो सकती सी, फिर जिवें लॉकडाउन लाया उस दे नाल होई, जिस तरीके नाल लॉकडाउन दे दौरान सरकार ने बिहेव किया उहदे नाल भी ये बीमारी फैली और फिर उसका फायदा चुकिया, यानी लॉकडाउन दा और इस कोविड महामारी दा नजायज़ फायदा सरकार ने यह चुकया कि अपनी जिम्मेदारी जो लोगों नूं सहूलतां देण दी सी या स्वास्थ्य व्यवस्था ते खर्चा वधाउण दी सी उह ना दे के उन्होंने इहदा फायदा चुकया कि किसानां दे हक किदां खो लै जाण और मजदूरां दे हक किदां खो लै जाण, ते इन्हां ने आपदा नूं अवसर च बदलिया है और मोदी ने कोई शब्द छुपाए तो है नहीं, सामने बोलिया और हुण भी नहीं वो हट रहे अपनी गल नूं, ते वो कही तुरी जा रहे ने, असी समझदे हां कि ये कोविड महामारी एक महामारी है, इहदे उत्ते इहनूं संभाल के इहदे तों बचना जरूरी है, लेकिन इहदा मतलब ये नहीं है कि सरकार जदों लोकां दी आवाज़ बंद करनी है उदों तों कहे जी सख्ती लगेगी और जदों जिम्मेदारी निभानी है उदों सरकार कहे असी नहीं जानदे, लोग अपने दे अपने आप देखन, ये जिहड़ी दोहरी चाल है सरकार दी ये असल च इहनां दा फासिस्टी चेहरा दिखांदी है, इहनां नूं जनता नाल कोई लेना देना नहीं है, ये अंबानिया अदानिया के यार ने, उन्हां दी मित्रता च लगे हुए ने, उन्हां दे मुनाफे वधा रहे ने, दुनिया दी कंपनियां आओ और देश नूं लुट्टो, कंपनी राज तो मुक्ति पाई सी, अंग्रेजां दे खिलाफ लड़े सी और हुण ये नवीं कंपनियां दे राज दे गुलाम सानूं बनाना चाहते हैं, कि इस एक तो असी देखिया जो करोना पीक ते सीगा ते कोई ऑक्सीजन की इन्नी कमी नहीं आई, तो जे हुण दी गल करदे तां ऑक्सीजन की कमी इन्नी आई कि साह दे नां ते भी मौतां होण लग गईआं, तो किवें देखदे हो? क्योंकि सरकार फेल हुई, इंतजाम नहीं किया, जदों ऐदका सर्ज आई है ये जड़ा नवा उदी वायरस की नवी टाइप आई है उदे विच नैचुरली फेफड़िया नू ज़्यादा अटैक हो रहा है, असिम्पटोमैटिक जड़े पेशेंट्स ने जिन्हों नू पता भी नहीं सानू होया उन्होंने राही छेती फैल रहा है, तो ये फेफड़िया नू फड़ रहा है जिदे विच फिर ऑक्सीजन की कमी का सवाल आता है, लेकिन सरकार ने जो किया सीगा जो तैयारी अज तो 6 महीना पहला पूरी हो चुकी होनी चाहिए सी कि ए त्राही त्राही ना होंगी 30-30 हज़ार का सिलेंडर ना विकदा और लोग अपने सामने अपने निजी लोगों नू मरदियां ना देख पाते, ये क्रिमिनल नेगलीजेंस है, सरकार इन्हां मौतां दी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि मैं ये कहांगी कि बुच्चर बन गई है सरकार, ये एक किस्म दा इन्हां दी नेगलीजेंस जिहड़ी है इन्हां नू दिखांदी है कि हथियारे हथियारां दे जिहड़े ना कटघरे च खड़े किते जाण। ऑक्सीजन
ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਵਪਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਲੰਡਰ ਇੰਨੇ ਸਸਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵਪਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਵਪਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅਨਾਜ ਖੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਹੀ ਹੈ मोदी सरकार दी सोच ही है सारी चीज़ बाजार ते सुट दो जखीरे बाजा ते सुट दो लोटू लोगा ते सुट दो लोकां दी अपनी जिंदगी ते कोई हक नहीं रहना चाहिदा ये सरकार दी सोच है उस सरकार नूं ये अग्गे वधा रही है तो मैं मिस्टर नरेंद्र मोदी नूं कहना चाहवांगी कि तुसी इस सोच तो हटदे नहीं लगदे हो पर हुण लोकां नूं ही तय करना पएगा कि जिथे बह के तुसी फैसले कर रहे हो उस जगह तो तुहानूं हटाया जाए जिस हिसाब से हम दिल्ली के लाशों के ढेर लग चुके हैं कि लगता तो कि इन लाशा एक दिन के ही हो जाए देखो कि कुत्ते ग्राउंडा कि पार्कों के लाशा जो सारी इन्हां दी सियासत ते मौत का खेल ही खेल रही है शुरू तो जदों के कुर्सी पर बैठे ने और इलैक्शन जितने लिए इन्होंने शमशान घाट और दफन ग्रह जड़े उन्होंने भी बहस चलाई सी यूपी की इलैक्शन की अगर तुम याद हो उदे विच भी चलाई सी वो गल्लां ते कीतियां सी लेकिन शमशान घाट जिथे आखिर विच इज्जत देनी हुंदी है वो दाग रह होए शमशान घाट जो भी उहदा नाम होए उत्थे इज्जत देनी हुंदी है डेड बॉडी नूं उहदे लई भी जो सरकार ने प्रोमिसिस कीतियां सी उहते पूरियां नहीं कीतियां सिर्फ उहदे उत्ते सियासत खेड के वोटां लै लईआं और हुण इन्हां दी जिहड़ा असफलता है ना जिहड़ा इन्हां दा फेलियर है वो नंगा होकर सामने आ चुकिया ये हर मामले च फेल ने लोकां नूं रोज़गार नहीं दे सके सिर ते छत नहीं दे सके जिहड़े खुशहाल रोटी खांदे सी उन्हां दी खुशहाली नहीं वेख सके उन्हां किसानां नूं बर्बाद कर रहे बयान कीते जा रहे ने कि अनाज घर घर पहुँचाओ तुसीं जिहड़े लॉकडाउन दे दौरान असीं मजदूरां नूं कैद कीता होया मजदूरां दे काम बंद कीते नहीं अनाज कितने मिलना है अंग्रेजा ने अनाज हुंदियां भी लोगों को मरण दिता सी ए सरकार अनाज हुंदियां भी लोगों को मरण देगी और जेडे कानून लेके आए ने वो तो यही तय करेंगे कि अनाज जखीरिया च पिया होएगा लोगों के घर च नहीं होएगा लोग भुखे मरणगे तो जे तुहानू ये है कि लोग अपना इंतजाम आप करन तो फिर किसानों वाले कानून वापस ले लो ना जेडे तुसी लद्दे ने लोग कर लेंगे किसान देख लेंगे कि कोई भुखा नहीं मरेगा और अगे भी सरकार तो नहीं सी लोगों को रोटी खवान वास्ते आई जो कोविड 19 की पहली वेव सी लोग सामने आए गुरुद्वारे सामने आए संस्थावां सामने आई हैं सरकार कित्थे सी कित्थे सरकार नहीं सी हुण भी सरकार कित्थे है कौन सामने आ रहा है पब्लिक आ रही है तो ठीक है मोदी कह देना असीं कुछ नहीं कर सकते नाउ इज द टाइम आई शुड से नाउ इज द टाइम सरकार ये मन लवे इन्हां दे हाथ वास कुछ नहीं है किसानों के कानून वापस ले लो मजदूरों के कानून वापस ले लो तुसी चुप करके अपनी कुर्सी पर बैठे रहो असी देखांगे देश किदां चलता है इस वास्ते बेशरम सरकार हुण भी सुन लो नहीं सुनते हो तो जिदा कहिंदे हुंदे हो ना कि मैं तो फकीर हाँ झोला लैके कितें भी चला जावांगा फिर झोला लभना शुरू कर दो ना फकीर हो जाओ तुसी तुहाडा की काम इस कुर्सी के उत्ते बहुत बहुत धन्यवाद जी तुसी अपने विचारों का प्रगटावा किया दसको ये सन अमरजीत कौर जी जाते जाते कोई संदेश देना चाहते यही कि ये जड़ा किसानों का अंदोलन है ये आज़ाद हिंदुस्तान च पहली यहोजी चुनौती मोदी सरकार नूं मिली है इस वास्ते केवल मजदूर ही नहीं मैं देश के दे हर हिस्से नूं कहांगी इस अंदोलन नूं फेल नहीं होने देना ये जितेगा तो मोदी हारेगा बहुत सारिया जित्तां इस किसान अंदोलन ने हासिल कर लिया ने थोड़ी होर हौसला रखने की लोड़ है सब लोग जुड़ जाओ और एकजुट हो करके सरकार दियां नीवां पूरी तरह हिला दियो उखाड़ दियो दर्शकों तुसी देखिया कि अज मजदूर दिवस पूरी हर एक बॉर्डर से मनाया जा रहा था हुण तुसी देख सकते इस किसानी अंदोलन च कहा जा रहा सी मजदूर नहीं पहुँच रहे तो वह भी वड्डा अपना एक अंदोलन है वह इस किसानी अंदोलन के नाल चला दिता उन्होंने वालों भी अंदोलन है जिहड़ा वह चलाया जा रहा छिड़ चुका है ताकि सरकार तक आवाज़ है जी पहुँच बने रहे हो पंजाब न्यूज़ नाल धन्यवाद।